वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज संडे के आज के इस भाग चार में। ठीक है, तो मित्रों हर संडे आपको दिया जाता है कला टेस्ट सीरीज, जिसके तीन भाग आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा। और आज चल रहा है भाग चार, तो फटाफट कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले, और जांचिए अपने आप को कि कितना है तैयार आप आगामी TGT PGT कला की भर्ती के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पाल शैली में कैसे चेहरे मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पाल शैली में कैसे चेहरे मिले हैं, एक चश्म के, दो चश्म के, पौने दो चश्म के या सवा दो चश्म के। तो पाल शैली में कैसे चेहरे मिले हैं मित्रों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सवा दो चश्म के। ठीक है, पाल शैली में सवा दो चश्म के चेहरे मिले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सारनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। सारनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, धर्मपाल, देवपाल, भोपाल या गोपाल पाल। तो सारनाथ में मंदिरों का निर्माण करने वाला शासक है, राइट आंसर बी, देवपाल। किसने कराया, देवपाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गंधव्यों में कितने चित्र मिले हैं, 125, 127, 124 या 126। तो गंधव्यों में कितने चित्र मिले हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, 126। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, हिंगुल कौन सा रंग है। हिंगुल कौन सा रंग है, लाल, हरा, पीला या नीला। तो हिंगुल कौन सा रंग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल, लाल रंग, हिंगुल रंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे दर्शाया गया। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके प्रतीक के रूप में इन चारों में से किसे दर्शाया गया, भैंस को, हाथी को, घोड़ा को या स्पूत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हाथी। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर बी, हाथी को। फटाफट कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, जो क्वेश्चन आपको आए कमेंट्स करते रहिए, पसंद आए लाइक करिए, और जो नए हैं वो भी जो है जान लें कि हर रविवार को कला टेस्ट सीरीज सुबह 10 बजे मिलती है आपको, ये वीडियो सुबह 10 बजे। ठीक है, संडे के दिन सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चित्रकारी का विकास कब हुआ, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या आधुनिक काल में। जो चित्रकारी का विकास हुआ इन चारों में से किस काल में हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नव पाषाण काल में। कौन से पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदिकाल में किस आकृति का प्रयोग नहीं हुआ। आदिकाल मतलब आदिमानव का इतिहास जो रहा है, उस काल में कौन सी आकृति का प्रयोग इनमें से नहीं हुआ है, आयत का, त्रिभुज का, वृत्त का या वर्ग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, वर्ग का। आदिकाल में जिस आकृति का प्रयोग नहीं हुआ वो था वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिगिरिया गुफा का प्रथम कक्ष कितने फुट का है। सिगिरिया गुफा जो है उसका जो पहला कक्ष है वो कितने फुट का है, 22.5 फुट, 26.5 फुट, 41.5 फुट या 25.5 फुट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मित्रों बी, 26.5 फीट। सिगिरिया गुफा का प्रथम कक्ष जो है उसकी लंबाई है 26.5 फीट, 8 का राइट आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल में धनुर्धारों के चित्र कहाँ से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में धनुर्धारों के चित्र कहाँ से मिले हैं, पंचमढ़ी से, भीमबेटका से, होशंगाबाद या सिंघनपुर से। तो धनुर्धारों के चित्र प्रागैतिहासिक काल में कहाँ मिले हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचमढ़ी के। ठीक है, नौ का राइट आंसर ए, पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में चित्रित है। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो किस गुफा में चित्रित है, 9वीं, 1वीं, 16वीं या 17वीं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, 16वीं में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग गुफा में चित्रित है, 16वीं गुफा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अजंता की कौन सी गुफा हीनयान तथा महायान दोनों से संबंधित है। अजंता की कौन सी गुफा है
यानी कौन सी गुफा संख्या है जिसमें हीनयान तथा महायान दोनों से संबंधित है, 9वीं, 13वीं, 8वीं या 15वीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों ए, 9वीं। कौन सी? 9वीं गुफा जो है वो हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतलवासन में कौन सा चित्र मिला, यानी शीतलवासन की जो गुफा है उसमें कौन सा चित्र मिला? कमल सरोवर, गर्दन फुलाए मोर, केवल एक या दोनों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, दोनों। कमल सरोवर और गर्दन फुलाए मोर, ये दोनों फिगर जो है शीतलवासन की गुफा में मिले चित्र। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भीमबेटका की कितनी गुफाओं में चित्र हैं? भीमबेटका की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? 275, 375, 600 या 475? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, 275। भीमबेटका के कितने गुफाओं में चित्र मिले हैं? 275 में। और आप कमेंट्स बॉक्स में हमको कमेंट्स करिएगा कि भीमबेटका में गुफाओं की टोटल संख्या है कितनी, जिसमें से 275 में मिले हैं चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्र में रेखा क्या करती है? जो चित्र है उसमें रेखा क्या करती है? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र उभारती है, या ये सभी करती है? तो चित्र में रेखा क्या करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वो आकृति भी देती है, आकृति का रूप, वो प्रवाह भी पैदा करती है, और वो चित्र को उभारती भी है, निखारती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अजंता की रेखाओं के आधार पर कितनी शैलियाँ हैं? अजंता की रेखाओं के आधार पर कितनी शैलियाँ हैं? 5, 20, 10 या 15? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, 20। अजंता की रेखाओं के आधार पर कितनी शैलियाँ हैं? वो है 20 शैलियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सन 1910 में कितनी गुफाओं में चित्र मिले? सन 1910 में जो है कितनी गुफाओं में चित्र मिले? 10, 21, 9 या 7 गुफाओं में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 9। सन 1910 तक जो गुफाओं में चित्र मिले वो 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रोपण किस नदी के किनारे बसा है, यानी रोपण किस नदी के किनारे है? सतलज, गंगा, यमुना या सुंद? तो रोपण किस नदी के किनारे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ए, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, बाघ की किस गुफा में क अक्षर मिला? बाघ की किस गुफा में क अक्षर मिला? गुफा संख्या 5 में, 4 में, 2 में या 1 में? तो कमेंट्स करते रहिए आप लोग मेरे जवाब देने से पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़िए चैनल से। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो मेरा जो मैं देता हूँ हफ्ते में पूरा, तो आप अपने लोगों को जोड़िए जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी मौका दीजिए। ना कि अपने अंदर ऐसा कोई फीलिंग मत रखिए कि सिर्फ मैं ही लूँगा, किसी और को नहीं लूँगा, ऐसा कुछ मत रखिएगा अपने अंदर विचार। अच्छे विचार के साथ रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, गुफा संख्या 4 में जो है क अक्षर मिला बाघ की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद जो है किस चित्रकला के लिए जाना है? मालवा चित्र, दक्षिणी चित्र, मुगल चित्र या शैली चित्र के लिए? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, शैली चित्र के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मिसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? जो मिसोपोटामिया सभ्यता है वो किस देश की है? तो इस भारत की, रोम की, मिस्र की या इटली की? तो मिसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अभी इस क्वेश्चन के बाद एक चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, आज मैंने पहली बार इस वीडियो में लिया है, स्पेशल फॉर यू, फॉर यू आपके लिए। उसमें एक ही होगा क्वेश्चन और उसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा मित्रों वो, इस क्वेश्चन के आंसर के बाद। तो मिसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है?
तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी मिस्र की। और चलिए आज जो मैंने लिया है वो ये है, देखिए एक नया कुछ किया है मैंने आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट्स तो ज़रूर बनता है इसके लिए, क्यों मित्रों बताइएगा, ये आपके लिए है। आपको बताना है कि निम्न चित्र और चित्रकार का नाम बताइए, स्पेशल फॉर यू, आपके लिए ये क्विज है एक तरह से समझ लीजिए, ये जो है फिगर क्विज है। आप इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखने के बाद आपको ये बताना है कि ये चित्र किसने बनाया है और इस चित्र का नाम क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे स्टेट सीरीज की वीडियो के इस आखिरी स्टेज में जो क्वेश्चन पूछा गया स्पेशल फॉर यू बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट्स में दिल से बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों आज के लिए दी इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, तब तक के लिए